इस वीडियो अपडेट में आज आप मुंगेर गंगा ब्रिज का अपडेट देखने वाले हैं। लाइव रिपोर्टिंग के साथ आज यह ताज़ा तस्वीरें हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और इसी के आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या 25 दिसंबर को यह पुल तैयार होगा या फिर नहीं। इसका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें तो अभी कहना मुश्किल है कि 25 दिसंबर के बाद क्या यह पुल पूरी तरह से तैयार होगा भी या नहीं। हमने इसी को देखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर आ चुके हैं मुंगेर गंगा ब्रिज के निकट और यहां से यानी कि जो आप वीडियो देख रहे हैं यहां से हम लेकर के चंडिका स्थान तक जाएंगे और कहां कितना काम बचा हुआ है और कितना काम चल रहा है उसका पूरा जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले हमारे चैनल इंडियन रेलवे के आर को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। जैसा कि आप देख रहे हैं हम और हमारे टीम मेंबर के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं दोनों तरफ मिट्टी को रखा गया है और इसे बाद में समतल किया जाएगा क्योंकि फिलहाल अभी कच्ची रास्ते से हम नीचे से जा रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे पुल नीचे ज़मीन पर जब उतर जाएगी तो वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे कितना काम वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा अधिकारियों का कहना है कि गंगा पुल अप्रोच पथ में जरूरत व उपयोगिता के आधार पर मिलेगा लिंक व सर्विस रोड। जी हाँ, बड़ा सवाल, लिंक और सर्विस रोड इस पुल का कहां पर उतारा जाएगा क्योंकि अब तक इसका खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा मुंगेर वासियों का शुरू से मांग है कि सर्विस लिंक एक चंडिका स्थान के नीचे उतारा जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सीधे कनेक्टिविटी मिल सके बेगूसराय या फिर मुंगेर से कनेक्ट होते के साथ साथ भागलपुर के एनएच में मिलने की सुविधा प्रदान हो सके। और ऐसे में अगर यह लिंक और सर्विस रोड मुंगेर के क्षेत्र को नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि मुंगेर के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा हो जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना निकल के सामने नहीं आई है कि लिंक रोड और सर्विस रोड कहाँ पर निकलेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी और सर्विस लिंक रोड को जल्द तैयार करने की अनुमति मिलेगी। फिलहाल 25 दिसंबर आने वाला है तो ऐसे में यहाँ के अधिकारी और यहाँ के कार्यकर्ता के साथ साथ वर्कर भी इसे पूरा करने में लगे हुए हैं और हमारा भी इसे सहयोग माना जाएगा। ऐसे में इस वीडियो अपडेट में हम आ चुके हैं वीडियो के अंत में और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। अप्रोच रोड का काम धड़ल्ले से चालू है और आगे जैसे भी हम बढ़ेंगे वहाँ भी आप देखेंगे कितना काम तेजी से खिंचा रहा है। इसके अलावा कोई अधिकारी या बड़े अधिकारी हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो अप्रोच रोड की जो समस्या है और लिंक एवं सर्विस रोड की जो समस्या है इसे दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकालें जिससे मुंगेर के लोगों को सीधे पुल पर चढ़ने के लिए जीरो माइल से नहीं बल्कि बीच से ही यात्रा करके उस पार जा सकें क्योंकि अभी जीरो माइल तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता और उतना लंबा घूम के जाने से ईंधन की खपत और समय की बर्बादी होनी तो लाजमी है। सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी ने आगामी 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर प्रस्तावित मुंगेर गंगा पर बने सड़क पुल के लोकार्पण से 10 दिन पूर्व बुधवार को निर्माणाधीन अप्रोच पथ का भौतिक निरीक्षण किया। खबरों की माने तो अप्रोच पथ का जहां निरीक्षण किया गया वहीं दूसरी ओर लाल दरवाजा स्थित निर्माण एजेंसी के कैंप कार्यालय में एक घंटे तक रुकें और पूरे रिपोर्ट को तैयार किया गया। उम्मीद करते हैं कि 25 दिसंबर को यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा जो कि मुंगेर का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और हमेशा से हम इस अप्रोच रोड को और पुल को सुपरस्ट्रक्चर का नाम देते हुए आए हैं। जैसा कि आप हमारे वीडियो स्क्रीन में देख पा रहे हैं ट्रक हमारे सामने से निकली है और यह कच्ची रास्ते है और यहाँ पर कितना काम बचा हुआ है यह आप देख पा रहे हैं। इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 दिसंबर को पुल चालू होगा या फिर जल्दीबाजी में किसी तरह उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसके अलावा लिंक व सर्विस रोड की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि अभी इसका इंतजार आप लोग थोड़ा और कीजिए
क्योंकि पहले पुल तो बनने दीजिए। इसके अलावा बताया जाता है कि बारिश से पहले ही बोल्डर पिचिंग का काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं उधर सामने से एक ट्रक निकल के आ रही है और यहाँ पर ये समतल करने के साथ साथ कई उपकरण इसमें लैस हैं। साथ ही जो ट्रक जा रही है इसके साथ यहाँ पर कंक्रीट को ढालने के लिए, पुल को ढालने के लिए और पाया को निर्माण कराने के लिए इस ट्रक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी को समतल करने के लिए आगे से ट्रक आ रही है, पीछे से मिट्टी लेकर ट्रक आ रही है। ऐसे में काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बोल्डर बिछाने का काम बारिश और बाढ़ के आने से पहले होगा। और यह बड़ा बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले बार जो बाढ़ आया था उस समय जब अप्रोच रोड में मिट्टी डाला गया था तो उस बाढ़ की वजह से मिट्टी बह गया था और अप्रोच रोड बह जाने की वजह से इंजीनियर के साथ साथ ठेकेदार कंपनी को भी भारी नुकसान हुआ था। और ऐसे में इस चीज़ को दोबारा दोहराने से रोका जा रहा है और यही वजह है कि जल्द से जल्द अप्रोच रोड तैयार करने के बाद पिचिंग का काम किया जाएगा, उसके बाद दोनों तरफ से बोल्डर बिछाया जाएगा। हो सकता है कि दीवार भी खड़ी करनी पड़े क्योंकि जो अप्रोच रोड तैयार किया जा रहा है उसे तो समतल करने का काम चालू है लेकिन पिचिंग का काम अभी फिलहाल नहीं चालू है। और अक्सर अगर आप मुंगेर से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि बाढ़ के टाइम में पानी कहाँ तक पहुँच जाता है और अगर उतना पानी दोबारा आ जाए तो क्या अप्रोच रोड यह रहेगा, वह भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं चंडिका स्थान और वहाँ भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि यह वीडियो बिना किसी कट के है। आपने पिछले वीडियो में हमें मांगा था कि फुल वीडियो क्लिप दीजिए, तो ऐसे में यह बिना कट के वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। अभी फिलहाल जहाँ पर हम मौजूद हैं इसी जमीन को लेकर के यहाँ के क्षेत्र लगातार विवाद और मांग कर रहे थे और इसी को लेकर के समस्या बड़ी यह थी कि यहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा था और मुआवजा जैसे ही मिला उन्होंने तुरंत ज़मीन खाली की और ये देखिए काम कितनी तेज़ी से चालू हो गया है। अभी काम इतना तेज़ी से चल रहा है कि उम्मीद करते हैं कि 25 दिसंबर से पहले तो उसका काम लगभग पूरा हो जाएगा और 25 दिसंबर को उद्घाटन भी हो जाएगा। हालांकि देखिए 25 दिसंबर नज़दीक है, कुछ दिनों में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि 25 दिसंबर को होगा उद्घाटन या फिर नहीं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और तीव्र गति के साथ साथ हम पहुंच चुके हैं चंडिका स्थान के निकट से। पीछे वाले रास्ते से हमने एंट्री की है और ये आप देख पा रहे होंगे बगल में जो तालाब है यहीं पर अक्सर बाढ़ का पानी आ जाता है और यही वजह है कि अभी फिलहाल बोल्डर पिचिंग का काम बचा हुआ है और यही सबसे बड़ा यहाँ पर खतरे की घंटी है। उम्मीद करते हैं कि उद्घाटन हो जाने के बाद बोल्डर पिचिंग का कार्य भी यहाँ पर चालू होगा, लिंक एक्सप्रेस वे का काम और लिंक सर्विस रोड का काम बाद में भी होगा तो चलेगा, लेकिन बोल्डर पिचिंग का काम जल्दी होना चाहिए क्योंकि अगर भारी बारिश की वजह से मिट्टी बह गया तो जाहिर सी बात है कि कनेक्टिविटी तो दूर की बात है, सड़क तक धंस जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ट्रक से वर्कर उतर करके पानी को खोला और यह इसलिए खोला गया जिससे कि पानी को समतल करके पिचिंग किया जा सके बुलडोजर की मदद से। अभी हमारे सामने से ट्रक निकली है और आप यह वीडियो देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंडियन रेलवे के आर की मदद से। सामने जहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रक गुजर रही है वहाँ पर चंडिका स्थान मौजूद है। ऐसे में एक लाइक तो बनता है, इसके साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सामने ट्रेन आ रही है और इसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब आने वाली नई ट्रेनों के अपडेट के लिए।